अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी प्यारी पेंटिंग बन रही है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें, इसका आप ये देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त कलर अप्लाई किए जा रहे हैं। और ये बना कौन रहे हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये हैं जनाब हमारे जाने पहचाने दोस्त भाई अबरार लोधी साहब। अबरार भाई, आपने इनको सिर्फ एक्टिंग करते देखा है, लेकिन ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। तो आज आपको अबरार लोधी एज ए आर्टिस्ट मिलने जा रहे हैं जी। अबरार भाई, बताएंगे अपनी पेंटिंग के बारे में क्या बना रहे हैं? भाई, ये पेंटिंग जो होती है ना, ये ख्याल होता है। ये मुझे लगता है कि या तो एक आर्टिस्ट की समझ में आता है, या जो बनाता है उसी को पता होता है कि वो क्या बना रहा है। जी तो बिल्कुल ऐसा ही है। एक होता है कि आप कुछ देख के बनाते हैं, एक होता है कि आपके विजन में जो चल रहा होता है कि क्या चल रहा है। जबरदस्त, आप कैनवस पे छापे। जबरदस्त तो आर्टिस्ट वही अच्छा होता है जो अपने ख्यालात को कैनवस पे पेंट कर दे। तो मेरे ख्याल में जो आपके माइंड में चल रहा है वो मैं पढ़ भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ कि आपके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है जो आप पेंट कर रहे हैं। और अभी ये फाइनल नहीं है, जब फाइनल हो जाएगी ना तब। जी मैं देख रहा हूँ, अभी आपने शुरू की है पेंटिंग, और मुझे उम्मीद है कि जब आप फाइनल करेंगे तो फिर अपने पेज पे अपलोड करेंगे, ताकि तमाम देखने वाले देखें कि आपने क्या जबरदस्त शाकार पेंट किया है। अच्छा, मैं अपने देखने वालों को कहूँगा, अगर इस पेंटिंग को आप गौर से देखेंगे तो आपको पाकिस्तान दिखाई देगा। ये मैंने पाकिस्तान को दिखाया है इसमें। मैं फोकस करूँ पेंटिंग को कि जो हमारा पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है कि उसे समझ नहीं आ रही, सर पकड़ के बैठा है और अपने आप को जो हालात हैं उसको गर्दिश में लिए हैं। ये मैं स्ट्रोक्स थोड़े से दिखाऊं व्यूअर्स को, ये देखें बिल्कुल सर के ऊपर उसके बिल्कुल ख्यालात एक गर्दिश कर रहे हैं। ये कोई फिगर है, उसके हाथ नज़र आ रहे हैं जो सर पकड़ के बैठा हुआ है, और ख्यालात जो उसके परेशानियां उसके सर पे एसार बांधे हुए। और रेड कलर इसलिए दे रहा हूँ कि भाई हर तरफ लाल रंग है टेंशन का। ज़बरदस्त, उसको मैं अभी उस पर और भी वर्किंग करूँगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी एक दिन में पेंटिंग नहीं बनती, ख्याल जो आता है ना। जी बिल्कुल, आपके कलर भी दिखा दूँ मैं, पैलेट भी, ये देखें कलर पैलेट। ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है आपके स्टूडियो का। और देखने वालों के मैं ये बात कह दूँ, ये स्टूडियो बहुत बड़ी बात कर दी है साजिद भाई ने, अपने स्टूडियो को मेरा स्टूडियो कह दिया है, और बाकी मेरे भाई हैं। बिल्कुल, आपके स्टूडियो भाई हैं मेरे छोटे। आकर मैं हमेशा अपना वक्त जो है ना स्पेंड करता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ स्पेंड क्या करता हूँ, मुझे चैन नहीं आता जब तक मैं साजिद भाई से मिल रहा हूँ। थैंक यू, आप भी अपना चेहरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और साजिद भाई के बारे में मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा कि ये साजिद भाई को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये है हमारे साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। इनके बारे में मैं ये कहूँगा, पीछे वसी भाई की पेंटिंग लगी हुई है। ये साजिद भाई, मोमिन भाई, वो कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट होने के लिए एक अच्छा इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज साजिद भाई जो हैं, एक सबसे पहले बहुत अच्छे इंसान हैं, उसके बाद वो उससे भी ज़्यादा कहीं अच्छे आर्टिस्ट हैं, और माशाल्लाह कैलीग्राफी में बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान का। अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। बहुत क्रिएटिव काम करते हैं, मैं इनका शागिर्द हूँ। और मुझे कुछ नहीं था, मुझे इन्हीं ने फोर्स किया कि अब यार तो यार पेंटिंग क्यों नहीं बनाता, बना ना यार। तो इन्हीं की बदौलत आज मैं ये कर रहा हूँ। देखें हर किसी के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार उसका आर्टिस्ट उसको बाहर निकाला जाए, ताकि उसका आर्ट लोगों को नज़र आए, उसकी थाट्स नज़र आएँ। चूँकि अबरार भाई पाकिस्तान का ज़ाहिर है जाना पहचाना नाम है, आप टीवी ड्रामा में अक्सर देखते होंगे इनको। बड़ी अच्छी डायरेक्शन भी की इन्होंने, बड़ी अच्छी एक्टिंग भी की है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार इनका अंदर का इंसान ज़रा कैनवस पे देखें कि कैसा लगता है। ये नहीं, अब बहुत अच्छा बनने जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि एक बड़ी अच्छी काविश है आपकी और बड़ी अच्छी चीज़ बनने जा रही है। तो ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह कंप्लीट होती है पेंटिंग तो दोबारा एक हल्की सी वीडियो बना के हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो जब तक अबरार भाई को टाइम दे, ताकि ये अच्छे से पेंटिंग बना दें। ठीक है, थैंक यू अबरार भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई, ठीक है।